जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेरे जितने अफसर साहिबान हैं, जवानों की तरफ से ये मैंने ख्याल रखी कि आज की इस मुकद्दस दिन पर जहां पे गुरु नानक देव जी एक बहुत ही अनोखा पैगाम रखा इंसानियत के लिए, उसी पैगाम को सामने रखते हुए और सबसे बड़ी पैगाम उनका जो मेरे नजर में है या जो मैं समझा हूं वो ये है कि जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के है कि इसमें, जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे हाथ के हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे, पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटे हुए। स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी, ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती।